A thermoelectric generator consists of a series of semiconductor element. एक आपका थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर है जो कि वो उसमें क्या क्या थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर जो क्या क्या इससे इंक्लूड वो बना हुआ आपको वह सेमीकंडक्टर एलिमेंट जो होता है इसमें यूज़ किया गया हीटेड ऑन वन साइड एंड कोल्ड ऑन द अदर। ठीक है देखो यह आपका थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर है। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या किया जाए जिसकी वन पोर्शन में हीटेड है अदर पोर्शन में कोल्ड है। ठीक है और इसमें जो भी सेमीकंडक्टर लगा हुआ जो पी प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो था जो इसमें सेमीकंडक्टर एलिमेंट लगा हुआ इज द प्रोटॉन का फ्लो न्यूट्रॉन के फ्लो प्रोटॉन के फ्लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ओके तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कारण जो था क्या होगा इलेक्ट्रिक करेंट जो था इससे प्रोड्यूस होगा होगा कि नहीं जब इसमें हीट ट्रांसफर किया जाएगा तो सब देखा होगा। देखो द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एज हीट। जब इसमें इलेक्ट्रिक जो आपका थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में जब आप इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एज अ हीट तो आप क्या उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करें क्योंकि इसमें जब ये सेमी कंडक्टर जब इसे हीट देंगे तो इसकी जो भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स हैं वो मूव करने लगे मूव करेंगे जिसके कारण क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ओके तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एज हीट। इन अ पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट द करेंट वॉज मेजर टू बी 0.5 एम्पियर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट वॉज जो था वाज 0.8 वोल्ट अबव डैट एट। देखो तो कहा किया गया कि जब इसमें एनर्जी ट्रांसफर किया गया एज अ हीट जो है तो इससे जो है आपको क्या मिला करंट मिला जिसमें जो करंट की जो वैल्यू जो मेजर किया गया था 0.8 एम्पियर और 0.8 एम्पियर इसकी इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया गया था और इसकी जो वोल्टेज थी जो वोल्टेज थे वह 0.8 वोल्ट था। ठीक है कर एनर्जी ट्रांसफर एज हीट टू द हॉट साइड ऑफ द जनरेटर वॉज टेकिंग प्लेस एट द रेट ऑफ 5.5 वाट। जब इसको जो हॉट पार्ट की ओर से जब आपने एनर्जी ट्रांसफर करा एज ए हीट जो है 5.5 वाट जो है। ठीक है तो डिटरमाइन द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एज हीट फ्रॉम द कोल्ड साइड एंड द एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी। कह रहे हैं जब आप इस जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं कैसे करने के लिए प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जब आप उसमें जो हॉट साइड से जब आपने एनर्जी ट्रांसफर कर कितना एज ए हीट जो है 5.5 वाट तो बता रहा है आपको वर्क भी प्रोड्यूस मिल रहा है आपको इतना एम्पियर करंट भी मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी है लेकिन पूछ रहा है कि आप जितनी तो नहीं है कि आप जितना एनर्जी दिए उतना ही आपको एनर्जी मिल जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है इसका रिलीज होगा तो Q2 जो रिलीज होगा फ्रॉम कोल्ड पार्ट से तो यही आपको Q2 को वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसकी बताना है जो Q2 रिलीज हो जा रहा है देन उसके कारण जो होता है इस थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो एफिशिएंसी जो है कितना होगा उसके वैल्यू को कैलकुलेट करने। ठीक है तो आओ सॉल्व करते हैं। देखो जो मान लो कि एज्यूम कर लो कि यह जो था थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इसको हम क्या मान लें कि ऐसे देखो कि एक सिस्टम ऐसा मान लो कि यह आपका क्या है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ठीक है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जब हम क्या कर रहे हैं इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं Q1 के रूप में कितना दे रहे हैं 5.5 वाट दे रहे हैं। ठीक है एनर्जी दे रहे हैं इसको 5.5 वाट और इससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ये जब इतना एनर्जी दे रहे हैं तो क्या कर रहा है जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो आपको वर्क भी सभी रेट में है तो रेट में कर लो तो ये आपको पावर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है देन पावर प्रोड्यूस पूरा के पूरा जितना एनर्जी दे रहे हैं उतना आपको वर्क मिल नहीं रहा है पावर मिल रहा है मतलब कुछ अमाउंट ऑफ इससे एनर्जी जो रिलीज हो जा रहे हैं
रिलीज हो जा रहा है, इस तरह का सिचुएशन है कि ना उसमें थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेट इस तरह का सिचुएशन है कि आप जितना एनर्जी दे रहे हैं एज ए हीट, उसके कुछ पोर्शन जो होता है आपके वर्क में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो वर्क में ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो बाहर हीट जो होता है रिलीज हो रहा है। देन आपको Q2 को वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड देन इसकी इफिशियंसी क्या होगा उसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू जो होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जानते हैं कि जो होता है और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो, इसमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इक्वेशन लगाओगे तो आपको पता है कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है एनर्जी एट इनपुट, जो इनपुट पे आपने एनर्जी दिया, एनर्जी इनपुट, एनर्जी एट इनपुट मतलब एनर्जी इनपुट जो आप एनर्जी जो होता है किसको थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को आप एनर्जी जो इनपुट दिए और इक्वल टू होता है एनर्जी आउटपुट के बराबर, मतलब जो होता है आपको कहता है स्टेडी फ्लो एनर्जी कहता है कि आप जितना सिस्टम को एनर्जी दिए उतना आपको एनर्जी मिल जाएगा, मतलब स्टेडी फ्लो मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी आपने क्या दिया सिस्टम को, Q1 दिया, Q1 आपने दिया, ठीक है। और आपको एनर्जी आउटपुट में क्या मिला, एक तो वर्क मिला मतलब पावर मिला एंड देन Q2 जो बाहर रिलीज हुई, अभी तो Q2 जो तब का बाहर ही रिलीज हो रहा है, मतलब आउटपुट मिला तो बाहर गया है कि नहीं, तो आपका Q2 हो गया, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितना था आपका, Q1 की वैल्यू देखो आपका 5.5 वाट था, जब आपका Q1 की वैल्यू 5.5 वाट था और W देखो W मीन्स पावर, और आप जानते हैं W इज इक्वल टू होता है भी इंटू क्यू होता है, मैं भी इज योर वोल्टेज एंड क्यू इज योर क्या आपका जो आपका चार्ज हो गया, ओके ओके। देन आपका W इज इक्वल टू भी इंटू क्यू हो गया, लेकिन आपको जो आपका वर्क जो है वो रेट में दिया मीन्स उसे कह सकते हैं पावर, तो आपका W पावर देन क्यू ऑल्सो पावर। तो देखो W जो पावर में है और भी हो गया और क्यू जो पावर होता है तो वह आपका आई बन जाता है, ठीक है। करंट जो होता है करंट आई बन गया जो होता है आपके आई इक्वल टू क्यू बाई टी भी होता है तो आपको आई बन गया। देन यहाँ पे W के बदले क्या लिख दोगे, वी इंटू आई प्लस Q2, और आपने वी आपने मेजर किया था कैलकुलेट किया था कि जो आई की वैल्यू कितना था, आई की वैल्यू था आपका 0.5 था और वी के वैल्यू तो आपका था 0.8 था, ठीक है। देन यहाँ पे रखो 5.5 प्लस भी कितना था आपका 0.8, आई कितना था 0.5 प्लस Q2, ओके 5.5। जब इसको आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका वैल्यू है कितना है 0.4, और इस साइड आएगा तो आपको सब्ट्रैक्ट हुआ 0.4 इक्वल टू आपका Q2। देन 5.5 में से आप 0.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5.1 जो होता है Q2 हीट जो होता है क्या होगा रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द सिस्टम जो होता है, इतना हीट जो होता है फ्रॉम द सिस्टम मतलब थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से आपका इतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आप पूछा है कि इसकी इफिशियंसी कितना होगा, तो आप जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू जो होता है नेट वर्क डन बाई Q1, मतलब जितना यह वर्क आउटपुट किया है बाई Q1, वर्क कितना आउटपुट किया है ये जो है आपका कितना दिया है 0.4 दिया है, यही ना क्यू आपका वर्क आउटपुट इज इक्वल टू भी इंटू आई देन 0.8 इंटू 0.5 देन 0.4, यही ना आपका वर्क है आपका, ठीक है। तो आप 0.4 बाई Q1 कितना आपका Q1 जो आपका 5.5 है देन इस जब सॉल्व करोगे 0.0727, और आपको बता परसेंटेज चेंज करना चाहते हो तो इसको क्या करोगे इनटू जो था 100 जब करोगे तो आपका कितना होगा 7 जो है 27 आपका इतना परसेंट जो है इस थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर का एफिशिएंसी होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके थैंक यू।